हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सब लोगों के सामने मीठी मठरियाँ। आजकल मठरियों का सीजन है तो इसको मट्ठी भी बोलते हैं, तो आप इसको बनाइए खाइए। गाइस, आज मैं सूजी से मट्ठी बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए, ये मैंने कुछ तिल लिए हैं जो सफ़ेद तिल होते हैं, कुछ पिस्ता लिया है, ये मिल्क पाउडर है जिसको सूखा दूध बोलते हैं, ये नारियल का पाउडर, ये मैं सूजी ले रही हूं, ये मैं आटा ले रही हूं, मैदा से नहीं बनाने वाली हूं, मैं आटा यूज करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये आटा है, ये सूजी इक्वल क्वांटिटी में लेना है, ये मिल्क पाउडर, ये नारियल पाउडर, ये थोड़े से तिल लूंगी मैं, अजवाइन ऐड कर रही हूं, ये छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दो चुटकी आप ऐड कर लीजिएगा। तो 1 चम्मच मैंने इसमें बूरा ऐड करी है, आप पिसी चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच बूरा और मैं ले रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं इन सब को। की बार नमक भी मुझे ऐड करना है ताकि मेरा जो मैंने इसमें बूरा ऐड करी है इसका जो मिठास है वो बैलेंस रहे। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। यहीं पे मैं ऐड करूंगी घी, गाइस इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप दूध ऐड कीजिएगा, एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, आप इसको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखिएगा, 5 मिनट इनफ है। चलिए ढक के हम इसको रेस्ट पर रख देते हैं। गाइस, ये मैं पिस्ता ले रही हूँ। देखिए, चाकू से अगर मैं इसको काटूंगी तो मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है, जो मुझे टाइम नहीं लगाना और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, मैं करूँगी इसका इस्तेमाल। देखिए, झटपट तैयार हो जाता है, ये क्रश हो जाएगा आराम से। अगर चाकू से हम काटते तो अभी तक काट नहीं पाते, बट ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको निकाल, चलिए चेक कर लेते हैं। गाइज, इसको मलना पड़ेगा, अच्छे से मलिए। और जो हमने पिस्ता, ये मैंने क्रश करके रखा था ना, इसको आप इसमें
ऐड कर लीजिए और ज़्यादा अच्छी फ्लेवर इसमें आएगा। आप फिर से इसको गूंथ लीजिए। गाइस स्लैब को मैंने साफ कर लिया है और मैं अब यहाँ पे दम लगाने वाली हूँ। आज हाथों की एक्सरसाइज होने वाली है। लीजिए गाइस मैंने ये मल लिया है। अभी इसको 5 मिनट के लिए और रेस्ट पे रख देते हैं और 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। गाइस मैं इसमें रख रही हूँ, इसका आप ढक्कन लगा दीजिए और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा और मलेंगे इसको। देखिए मेरा आटा हो गया तैयार। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा आप फैला लीजिए। देखिए मेरा ये बिल गया है। ये मैं एक गिलास ले रही हूँ, इसी से मैं कट करूँगी। लीजिए गाइस मैंने कट कर लिए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप चाहें तो इससे पतली रख सकते हैं। एक फोक की मदद से आपको क्या करना है, इसमें छेद करने हैं। लीजिए गाइस मैंने ये काट लिए हैं और इसमें छोटे छोटे से छेद कर लिए हैं। चलिए इनको करते हैं फ्राई करने की तैयारी। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। लीजिए गाइस मेरी मठिया तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी बनी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस एक तो इसमें मैदा नहीं है और देखिए कितनी क्रिस्पी ये बनी है। देखिए देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये खाने में। आप एक बार बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा मेरी बनी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।